Hi guys, I am Dr. Shamoon and you are watching my gardening channel. दोस्तों आयुर्वेद का और पेड़ पौधों का तो कैसा साथ है आप जानते ही हैं। हमारा आयुर्वेद 99% पेड़ पौधों से मिलने वाली औषधियों पर निर्भर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस नर्सरी में लेकर आया हूँ जिसका नाम है शीतला नर्सरी। आज की वीडियो का जो फोकस रहने वाला है वो क्रीपर्स पर यानी के बेल यानी क्लाइंबर्स पर होने वाला है। तो बेल जो कि हिंदी का एक जेनरिक वर्ड है और हम हर ऐसे पौधे को जिसमें लकड़ी नहीं होती और जो फैलता है या किसी दूसरे पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ता है उसके लिए हम बेल वर्ड यूज करते हैं। इंग्लिश में इनके लिए स्पेसिफाइड वर्ड्स होते हैं जैसे क्रीपर्स, क्लाइंबर्स और लियनेस जिसको हम हिंदी में कटलता कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस नर्सरी में बहुत सारी बेलें हैं, उनमें सबसे पहले मैं आपको इस ट्रम्पेट वाइन के पास लेकर चलता हूँ। ये हिंदी में कहलाती है तुरही वाली बेल या सिंपली तुरही बेल और इंग्लिश में कहलाती है गोल्डन ट्रम्पेट प्लांट। हो सकता है आप इसके वैज्ञानिक नाम से इसको ज्यादा बेहतर समझे, एलामेंडा कैथेटिका। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें प्रतान नहीं होते यानी जो ट्वाइल्स होते हैं ट्वाइंस जो होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि पौधे का जो अपना स्टेम होता है वो काफी मजबूत होता है और बस जरूरत होती है कि इसको दूसरे पौधे से आपको बांध कर रखना पड़ता है और ये 20 फीट तक चली जाती है। इसका जो आप फूल देख रहे हैं ये तुरही यानी ट्रम्पेट जैसा दिखाई देता है और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है गोल्डन ट्रम्पेट पौधा, ट्रम्पेट वाइन यानी ट्रम्पेट वाली बेल। इसी तरह दोस्तों मैं आपका परिचय कराता हूँ राखी बेल से जिसको इंग्लिश में पैशन फ्लावर कहते हैं और इसकी खास बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रतान होते हैं। करीब से देखिए ये इसके प्रतान हैं जो ऐसे ऐसे दूसरे पौधों से लिपटते जाते हैं और ये कवर करते हुए ऊपर की तरफ चलती है। ये छाया के लिए भी लगाई जाती है और इसका जो ग्राउंड कवरेज है जो अम्ब्रेज है वो बहुत ज्यादा होती है और ये ग्राउंड के चारों तरफ फैलते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो आप अगर चाहते हैं कि ऐसी बेल लगाना जो काफी ग्राउंड एरिया कवर करे तो उसके लिए राखी बेल एक काफी अच्छा विकल्प आपके सामने हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया इसको इंग्लिश में पैशन फ्लावर कहते हैं और हिंदी में राखी बेल कहते हैं। राखी बेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो फूल होता है वो राखी जैसा दिखाई देता है, बड़ा सुंदर दिखाई देता है। इसके फूल बड़े सुंदर होते हैं, आपको मैं दिन के समय जब तेज रोशनी होगी उजाला होगा मैं इसके फूल दिखाऊंगा। दोस्तों इसी क्रम में मैं आपको और दूसरे क्लाइंबर्स के पास लेके चलता हूँ, तो आइए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये है पत्तख बेल जिसको इंग्लिश में हम एरिस्टोलोचिया या एरिस्टोलोचिया बोलते हैं और इसका जो फूल होता है बड़ा ही अजीबोगरीब होता है और देखने में कहीं ना कहीं वो हमें बत्तख जैसा आभास देता है। ये जो चलती है ना ये इसका ग्राउंड एरिया बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये दूसरे पौधे पर ऐसे लिपटती हुई चलती है। इसकी खास बात यह है कि जो इसका स्टेम होता है वो वूडी होता है, बहुत ज्यादा वूडी नहीं, बुगेनविलिया जैसा वूडी नहीं होता है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं काफी वूडी होता है। तो इसका नाम आप याद रखेंगे एरिस्टोलोचिया। इसी तरह मैं अब आपको लेके चलता हूँ गार्लिक वाइन यानी के लहसुन बेल के पास, आइए चलते हैं। ये है गार्लिक वाइन या लहसुन बेल। दोस्तों ये बड़ी प्यारी बेल होती है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये क्योंकि इसका जो ऊपर फैलने का जो तरीका है ये एक पेड़ की भांति चलती है यानी ग्राउंड कवरेज भी काफी रहती है और इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, छाया भी अच्छी रहती है और सुंदर ये दिखाई देती है। तो ये है लहसुन बेल या गार्लिक वाइन। तो दोस्तों मैंने आपको आज जो है चार बेल दिखाई है, जैसे कि ट्रम्पेट वाइन यानी के तुरही बेल है, राखी बेल है, पैशन फ्लावर, पत्तख बेल, एरिस्टोलोचिया है, गार्लिक वाइन यानी के लहसुन बेल है,
चलते चलते आपका परिचय इससे भी करा देता हूँ। इसको क्लामेंटस कहते हैं। मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। हम अपने साथ ही खरीद कर ले जाएंगे और आपको बताऊंगा कि इनको कैसे आपको गमले में लगाना है, कैसी मिट्टी की जरूरत होती है, कितना बड़ा गमला होना चाहिए, कब हमें जो है मिट्टी को बदलना है, पानी कितना चाहिए, कौन से मौसम में लगाया जाना चाहिए और इस बेल को कितने सपोर्ट की जरूरत होती है। तो एक एक इंडिविजुअल वीडियो हम कवर करेंगे प्रति एक बेल के बारे में और हम उनसे जुड़ी जो है अपनी ऐसी जानकारी भी कवर करेंगे जो हमें उनके बारे में कुछ चुटीली जानकारी जो होगी, जैसे कि कहीं ना कहीं हर प्लांट के बारे में कुछ जानकारी बनी रहती है। तो श्री राजकुमार जी हैं जो की नर्सरी के संचालक हैं। तो राजकुमार जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो चार बेल मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ, बत्तख बेल के प्राइस आप बता सकते हैं? 200 रुपये का मिल जाएगा। ठीक से क्या मतलब आपका तात्पर्य है, यानी पौधा साइज में बढ़ा? पौधा साइज में कमी रहेगी। अच्छा, जो आप 200 रुपये में हमें पौधा प्रोवाइड कराएंगे, छोटा और बड़ा? बड़ा तो पौधे के हिसाब से होगा। अच्छा, उसमें फूल आ रहे हैं? अभी अवेलेबल होगा आपके पास? ओके 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 ओके। अच्छा, ये राखी बेल के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पे राजकुमार जी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि इनके पास राखी बेल के कई कलर्स अवेलेबल हैं और राखी बेल में कौन कौन से कलर राजकुमार जी नॉर्मली नर्सरी में रहते हैं? काफी कलर रहते हैं, तो रेड हो गया जी, वाइट भी आ जाता है और आम। तो ये जो राखी बेल में ये कौन से कलर है? नीले रंग। तो ब्लू कलर का पैशन फ्लावर है, इसका क्या प्राइस रहेगा? 100 रुपये। अभी इसके सीजन फ्लावर का सीजन, ये बताइए आप हमें लक्ष्मी बेल के बारे में। लक्ष्मी बेल को जैसे इसके पत्ते हैं बड़ा। ओके, इसका क्या प्राइस है? जब फूल आ रहे हैं का जो फूल होता है वो कैसा होता है, किस कलर का होता है? इसका तो ऐसा होता है बहुत कलर में आता है। ओके, हमारे पास जो है वो थोड़ा व्हाइट पर्पल से टाइप में, व्हाइट पर्पल। इसको आपने बताया, राजकुमार जी हमें बता रहे हैं कि इसको लहसुन बेल क्यों कहते हैं, ऐसी ही मैं चुटकी बातों के कारण बात कर रहा था। लहसुन बेल क्यों कहते हैं? लहसुन बेल इसलिए कहते हैं, अगर इसके जो पत्ते थोड़ा वो बनते हैं तो लहसुन की खुशबू आती है। राजकुमार जी का कहना है कि अगर इसके पत्तों को हम हाथों पर रब करके स्मेल करते हैं तो हमें गार्लिक यानी लहसुन की स्मेल आती है। इसका प्राइस आप एक बार फिर से बताएंगे? 200 रुपये है। और लास्ट में आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जो ये गोल्डन टेम्पलेट है, जो ये पीला जो फूल है, इसका तुरही बेल जो है एलामेंडा के थार्टी का, इसका क्या प्राइस है? ओके, अब मैं राजकुमार जी से एक एक करके बिना डिटेल के पूछ रहा हूँ, बस ये हमें प्राइस बताएंगे। आप बत्तख बेल का प्राइस बताएंगे? बत्तख बेल का प्राइस है 200 रुपये, उसमें इतना बड़ा आपको पौधा मिल जाएगा। लहसुन बेल का क्या प्राइस है? लहसुन बेल का प्राइस भी 200 रुपये है। और तीसरे नंबर पे राखी बेल का क्या प्राइस है? राखी बेल नीले वाली 100 रुपये की है और लाल वाली 200 से 250 रुपये की है। और जो लास्ट में गोल्डन ट्रम्पेट जो तुरही बेल है पीले वाली, इसका क्या प्राइस बताया? अच्छा, डेवलप प्लांट जो है तुरही बेल का एलामेंडा कैथार्टिका का 150 से 200 रुपये है। राजकुमार जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्या आप इस पे डिस्काउंट देना चाहेंगे? राजकुमार जी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल वाजिब दाम है, फिर हम खरीदेंगे और जरूर इनसे थोड़ा बहुत हम बार्गेनिंग की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये हमें कितना इस पे बार्गेन दे सकते हैं। राजकुमार जी बता रहे हैं कि इसको इस प्रकार से तैयार किया गया है कि छोटे गमले के लिए एडेप्टेड है, यानी छोटे गमले में अच्छा होता है, परंतु फूल का साइज उतना ही रहता है। ये है
लहसुन यानी गार्लिक बेल। तो गाइस इस क्रम में बेल जो हम खरीद रहे हैं और आपके लिए खरीद रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें सारी के प्रक्रिया बोने की क्या है, ये राखी बेल है और इसमें जो है ये आप देख सकते हैं टेंड्रिल्स यानी प्रतान निकल रहे हैं, ये बेल की ही फॉर्म में है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट दोस्तों, मनी है तो हनी है। अब हम बात करने वाले हैं सौदेबाजी की कि ये हमें कितने पैसों में देने वाले हैं तीनों पौधे। तो राजकुमार जी तीनों के कितने पैसे देने हैं, राखी बेल बेल और एलामेंटा? घबराइए नहीं, आप ऑन कैमरा भले ही है लेकिन आप फुल बार्गेनिंग कर सकते हैं। 450, क्या ये 400 में संभव है? राजकुमार जी खुश हैं और खुशी फैलाना ही हमारा अल्टीमेट मकसद है। इन्होंने तीनों के लिए 450 बोले हैं, तो आज की वीडियो में हम इसी के साथ समाप्त कर रहे हैं इनको पेमेंट करके। तो दोस्तों यहाँ तक आपने नर्सरी में इन्हें देखा, अब हम इनको घर ले जा रहे हैं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, अभी हम मिट्टी भी खरीदने वाले हैं। हम एक जो बोरा है कट्टा इनसे मिट्टी का लेंगे जिसकी कीमत इन्होंने 100 रुपीज बताई है। तो टोटल कुल मिलाकर हम इनको 550 रुपये पे करेंगे एक कट्टा मिट्टी का और ये तीन पौधे। दोस्तों यहाँ तो ये आपने इनको नेचुरली नेचुरल एनवायरनमेंट में देखा, अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिविजुअली इनको कैसे बोना है, कैसे गमले में लगाना है, प्लास्टिक सीमेंट वाला गमला, कितना पानी चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए, खाद कैसा चाहिए, कब पानी देना है, कौन सी जगह पे रखना है, कितनी छाया की कितनी धूप की जरूरत है, तो इंडिविजुअली मैं आपको समझाऊंगा। तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मुलाकात ऐसे ही होती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।